Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to discuss about a very important topic which is called as the biocentrism, and here I'm making this video on the basis of my viewers' demand. So now let's learn about the biocentrism, friend. See, these are the four different concepts, and which is also called as the environmental ethics, which includes anthropocentrism, ecocentrism, biocentrism, okay, and ecofeminism. So I have already uploaded two concepts, which is called the anthropocentrism and the ecocentrism. So if you want to watch that videos too, so you can go and check my playlist for the foundation course semester 4. So now let's start. Otherwise, I'm going to share the link on my description box too. So now let's learn together about the biocentrism, friend. So basically, biocentrism is a life-centered approach. सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो एनवायरमेंटल एथिक है ना, विच इज़ कॉल्ड बायोसेंट्रिज्म, ये एक एनवायरमेंटल क्या सॉरी ये एक लाइफ सेंटर्ड अप्रोच है. मतलब जहाँ पर वो लिविंग थिंग्स यानी कि लाइफ के बारे में कॉन्सेंट्रेट करता है. सो आगे देखते हैं कि इट बिलीव्स दैट द राइट्स एंड नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर नॉट मोर देन इम्पॉर्टेंट दैन अदर लिविंग थिंग्स. मतलब समझे, एक लिविंग थिंग्स बहुत सारे हैं ना, सपोज वी कैन से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे कुछ है लिविंग थिंग्स है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर बायोसेंट्रिज्म ये कॉन्सेप्ट ये बिलीव करता है कि राइट्स एंड नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मोर देन द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स. मतलब जितनी भी अदर लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, सो एनिमल्स जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं, ना कि सिर्फ इंसानों के राइट्स एंड नीड्स, ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखते एनिमल्स से. मतलब अब जैसे कि देखिए, हम लोग हमारे कंजम्पशंस में एनिमल्स का जो है चिकन मटन लाइक यूज़ करते हैं, या फिर उनको हम लोग ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अदर अदर चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे साइंस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है तो वो एनिमल्स पर टेस्टिंग करता है, ठीक है. सो मतलब हम कहीं ना कहीं एनिमल्स को, यानी कि अदर लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट द ह्यूमन बींग्स, हम उनको जो अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. सो इसी वजह से बायोसेंट्रिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इट इज़ अ लाइफ सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पर द ह्यूमन राइट्स एंड नीड्स आर नॉट मोर देन द अदर लिविंग थिंग्स. मतलब ये सबसे ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, बल्कि जो अदर लिविंग थिंग्स हैं वो भी इक्वली वैल्यू रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, बायोसेंट्रिज्म व्यूज दैट एनिमल्स एज अ इम्पॉर्टेंट लिविंग बींग्स. मतलब जो एनिमल्स हैं ना, वो भी हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं, इनका भी जीना और जिंदा रहना इज़ वेरी मस्ट, ठीक है. देन द एडवोकेट्स ऑफ द बायोसेंट्रिज्म आर अगेंस्ट हार्मिंग अदर लाइफ इन फॉर्म ऑफ देयर ओन एंड्स. जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं जो कंसर्न्ड है अबाउट द बायोसेंट्रिज्म, मतलब अदर लिविंग थिंग्स के बारे में जो कंसर्न्ड है, उनका ये कहना है दे आर टोटली अगेंस्ट हार्मिंग द अदर लिविंग फॉर्म्स. मतलब जितने भी अदर लिविंग फॉर्म्स हैं, लाइक एनिमल्स होते हैं, इनमें भी लाइफ होती है, ये भी जिंदा रहते हैं, और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं इनकी भी लाइफ होती है, ये भी जिंदा रहते हैं, तो इनको हार्म नहीं करना है फॉर आर ओन कंजम्पशन, ये कहता है बायोसेंट्रिज्म. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस कॉन्सेप्ट, फ्रेंड. बट एक ही चीज याद रखें कि इट्स अ लाइफ सेंटर्ड अप्रोच, ये ह्यूमन बींग के साथ साथ एनिमल्स की लाइफ के बारे में भी कंसर्न्ड है. ये कहता है कि ह्यूमन की नीड्स एंड जो इनके राइट्स होते हैं, दीज आर नॉट मोर देन द एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू कमेंट ऑन माई चैनल. Bye-bye, take care, and all the best for your examination.